नमस्कार जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और शुरुआत करने वाले हैं पंजाब की बड़ी खबरों के साथ। केजरीवाल ने पंजाब में आए विधानसभा नतीजों पर सवाल उठाए। केजरीवाल ने कहा कि चुनाव आयोग को नतीजों की जांच करनी चाहिए। साथ ही केजरीवाल ने कहा है कि चुनाव के दौरान ईवीएम में कुछ तो गड़बड़ हुई है। साथ ही उन्होंने मांग की है कि नतीजों का बूथ के हिसाब से परीक्षण किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया है कि कहीं पंजाब में ईवीएम के जरिए आम आदमी पार्टी के वोट बीजेपी अकाली गठबंधन के खाते में तो नहीं चला गया, जिसका फायदा कांग्रेस को हुआ और वो जीत गए। गौरतलब है कि पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 20 सीटें मिली हैं, जिस पर असंतुष्टि जताते हुए केजरीवाल ने ये आरोप लगाए।